अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिल्लियारे फैशन स्टोर। व्यूअर्स, आज आप लोगों के लिए लाई हूँ मैं यूनिक डिज़ाइन कुर्ती की कटिंग। मैं आपको ड्रेस शो करवा देती हूँ। ये शर्ट्स हैं, ये दुपट्टा, देन स्लीव्स एंड ट्राउजर। हम इसे सेट में करते हुए स्लीव्स को शर्ट की कटिंग करेंगे। पहले शर्ट की कटिंग के लिए पहले आप इसको सेपरेट कर दें फ्रंट और बैक को। अच्छा जी व्यूवर्स, एक्चुअली समटाइम्स ऐसा होता है घर में लेडीज़ नहीं निकाल पाती हैं शर्ट का सेंटर ना, तो मैं आपको शर्ट का सेंटर निकालना भी बताऊंगी। शर्ट के सेंटर निकालने के लिए सबसे पहले आपने नेक से इसको कवर अप करना है, सेंटर से ही पकड़ना है, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि साइड से क्यों अनबैलेंस हो रहा है, साइड से होने दिएगा, दामन से भी होने दिएगा। इससे ऐसा होता है कि आपका जो शर्ट होता है वो घूमता नहीं, बिल्कुल इक्वल बैठता है फ्रंट और बैक। और ये जो पट्टियाँ हैं ये हम स्लीव्स पर यूज़ कर लेंगे, इसे कटिंग नहीं करेंगे। ये देखें, साइड से मेरा अनबैलेंस है बट हमने सेंटर, ये देखें जो पैनल है इसको मैं मैच करके ही रखूँगी। ये देखें इस तरीके से, ये पैनल लाजमी आप कवर अप करिएगा वरना आपकी शर्ट का प्रिंट बिल्कुल आउट हो जाएगा। मैं कॉमन पिन से भी आप कवर अप कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो। बैक साइड का भी मैंने सेंटर निकाल के उसके ऊपर सेट कर दिया है फ्रंट के ऊपर। अब हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। व्यूअर्स, इस कुर्ते पे हम 4 प्लेट्स देंगे पैनल की साइड 2 इंच की, सो हम इसके लिए 2 इंच अबव हम इसके लिए मार्किंग करेंगे। तो हमारी जो लेंथ है वो 38 होगी फाइनल, 2 इंच अबव की हमने तो 14 हुई, ठीक है। अब शोल्डर से हम मेजरमेंट करना स्टार्ट करते हैं। शोल्डर हमारी जो 7 होते हैं नॉर्मल, बट हम रखेंगे 9 क्योंकि हमने देनी प्लेट्स। ये 9 देखिए, 9 की मार्किंग करनी है मैंने, ये देखें। और 8 हम इसका आर्म होल ही रखेंगे क्योंकि हमने विथ से प्लेट्स देनी है, लेंथ से नहीं रखनी। तो शोल्डर हमने 9 रखे हैं और विथ हमने रखी है 8, ठीक है। देन चेस्ट की मार्जिंग में 12 रखूँगी, नॉर्मल 10 है तो 2 इंच अबव रखनी हमें। वेस्ट 11 रखूँगी, हिप 13 रखूँगी, ठीक है। ये मार्किंग हम डॉट डालने के बाद मैच कर देंगे और उसके बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक मार्किंग करना है। 1 इंच हमने हिप से मार्किंग करना है, 2 इंच हमने वेस्ट और चेस्ट से, ठीक है। इसके बाद हम इस एरो को दामन से मैच कर देंगे। अच्छा, दामन में रख रही हूँ 14, ठीक है। ये जो पट्टी है साइड में ही हम स्लीव्स में यूज़ कर लेंगे और 14 में दामन रख रही हूँ। वन एंड हाफ इंच हम आर्म होल के लिए रखेंगे ट्राइंगल की शेप में, ठीक है, इस तरीके से। अब हम आर्म होल की शेप देने के बाद शोल्डर से भी हम गहराई देंगे टेप में जो होती है इसकी, ठीक है, हाफ इंच। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग के बाद आप लाजमी ही कट कर लिया करें कॉर्नर जहाँ से आपने मेजरमेंट कर लिए है, वेस्ट चेस्ट का और नेक का, तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होती स्टिचिंग में। अब हम जो फ्रंट साइड से आर्म होल है जो हमारी डीप कटिंग होती है वो करेंगे हम हाफ इंच की। इसमें शर्ट की नॉर्मल कटिंग ही होगी बट हमने एक्स्ट्रा मार्जिंग करनी है 2 इंच की जिससे हमें प्लेट्स देनी है। ये मैंने कट कर लिया है। ये देखें, इस तरीके से हम प्लेट्स देंगे, ठीक है। पहले नेक की कटिंग कर लेते हैं। हम नेक की कटिंग के लिए आपने 4 इंच विड्थ रखनी है और नेक की लेंथ जो है जहाँ से हम ओपन रखेंगे वो 7 इंच रखनी है, ओके। और फुल लेंथ जो होगी नेक की वो होगी 14 इंच, ठीक है।
चाइना कॉलर की मेजरमेंट अगेन रिपीट कर देती हूँ मैं, इसकी विथ 4 इंच है, ओपन साइड जो है वो 7 इंच है और इसकी फुल लेंथ है वो 14 है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम कटिंग कर लेंगे। हाफ इंच की मार्किंग करनी है हमने चाइना पट्टी लगाने के लिए। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। अच्छा जी, आपने लास्ट में क्या करना है, इस तरीके से एरर देना है और इसको कर देना है कट। इस तरीके से हमारी चाइना पट्टी जो होती है वो नेक की वो एकदम परफेक्ट बैठती है। अब आपने लेनी है लेडीज़ फ्यूजिंग। लेडीज़ फ्यूजिंग के लिए आपने 2 इंच की आपने कटिंग करनी है, 1 इंच आपने दबाव में डालनी है और चाइना पट्टी की जो लेंथ है उसकी मेजरमेंट आप इस तरीके से करें, नेक के फ्रंट से लेकर और एंड तक आपने मेजरमेंट करनी है, उसको डबल करके आपने 13 आ रहा है। ठीक है, और फ्यूजिंग पे हम कट करके प्रेस करके दिखाते हैं। चाइना पट्टी पे जो मैंने कटवर्क का डिज़ाइन दिया है ट्रायंगल का, उसकी मेजरमेंट भी मैं आपको हैंड टू हैंड बता देती हूँ। 1 का आपने डॉट नीचे रखना है, 2 का ऊपर, 3 का नीचे, 4 का ऊपर, 5 का नीचे, 6 का ऊपर, 7 का नीचे, 8 का ऊपर, इसी तरीके से आपने फ्रंट एज तक लेके जाना है। डबल आपने फ्यूजिंग रखनी है। अब आपने इस तरीके से ट्रायंगल की शेप देनी है। ठीक है, ये ओके हो गया। अब मैं आपको देन स्टेप बताती हूँ। इसी फ्यूजिंग को हम जो पट्टी थी साइड में ड्रेस की उस पर प्रेस कर देंगे। शर्ट की साइड में हमारी जो पट्टी निकली थी इस पर प्रेस करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, प्रेस कर लिए हमने। ये देखें, आपने 4 इंच का फैब्रिक लेकर पट्टी को इस तरीके से, अब प्रेस करने के बाद आपने डबल किया। अब मैं कर दूँगी इसको स्टिच। स्टिच के बाद मैं आपको इसका कट बताऊँगी किस तरीके से हमने कट लगाना है फिनिशिंग के लिए। ये देखें, इस तरीके से लगाना आपने। अब आपने चाइना पट्टी के कॉलर को जो है फ्लैप करना है। मैं आपको बता दूँ किस तरीके से, सीजर के थ्रू आप इसकी जो कॉर्नर है वो सेट कर लें। ये चाइना पट्टी का कॉलर हमारा रेडी हो गया। अब हम फ्रंट एंड बैक को स्टिच करेंगे शोल्डर से। उससे पहले हम इसको प्लेट्स देंगे। प्लेट देना भी मैं बताती हूँ। प्लेट्स के लिए हमने कॉमन पिन का यूज़ करना है, तो ये कॉमन पिन है, तो हम इसको 2 साइड से कवर अप करेंगे इस तरीके से प्लेट देकर। ठीक है, और प्लेट्स इस तरीके से देनी है कि आपका जो शोल्डर है वो 7 इंच ही आए। और ये देखिए, 2.5 आपने दोनों साइड से, ये देखिए इस तरीके से छोड़ना है। मेरी शोल्डर की स्टिचिंग डन हो चुकी है। अब हम इसकी चाइना कॉलर की पट्टी लगाएंगे। पट्टी स्टिच के लिए सबसे पहले हमने जो बैक साइड है उसकी डीप कटिंग करनी है नेक की, इस तरीके से। आपने ज़्यादा नहीं करनी है, 1 इंच की करनी है। देन आपने चाइना कॉलर की पट्टी इस तरीके से लगानी है कि उसके जो फ्यूजिंग वाला साइड है वो नीचे होगा और फैब्रिक साइड वो ऊपर होगा। ठीक है, ऐसे मूव देखते हुए आपने आगे लाना है। मैं स्टिच डन करके मैं आपको दिखाती हूँ। चाइना कॉलर की स्टिच मेरी डन हो चुकी है। देन मैंने इसी के साथ ही स्टिच कर लिया है पैनल। पैनल पे जो प्लेट्स दी थी उसमें 7 स्टेप मैंने दे दी हैं। ठीक है, और मैंने ज़िगज़ैग स्टिच की उसके साथ ही, और वेस्ट तक मैंने स्टिच किया है। उसके बाद मैंने फैब्रिक को इसी तरीके से लूज छोड़ दिया। अब ये जो फैब्रिक है, जो नीचे जो फैब्रिक बचा है, हम इस पर हेमिंग करेंगे या स्टिच करेंगे। आप हेमिंग करना चाहते हो हेमिंग भी कर सकते हो, बट मैं है ना कांच टाँच कैसे स्टिच करूँगी इसे।
और कॉमन पिन की हेल्प से पहले आप सेट कर लें किस तरीके से। 7 इंच आप ओपन रखेंगे, ठीक है, जिगजैग आप तक यहाँ स्टिच करना है। उसके बाद आपने एक फैब्रिक लेना है और एक फ्यूजिंग लेनी है। पहले हम फ्यूजिंग लेंगे, 5 इंच की विथ रखेंगे, सॉरी लेंथ रखेंगे 5 इंच की और विथ हम इसकी 15 इंच। अच्छा जी, जो फैब्रिक है वो मैं अपने ट्राउज़र के फैब्रिक में से ही कट कर रही हूँ। 5 इंच लेंथ और 15 इंच इसकी विथ है, इक्वली रखा है फ्यूजिंग को और फैब्रिक को, ठीक है। अब फैब्रिक हम इस तरीके से रखेंगे और फ्यूजिंग हम रखेंगे नीचे। प्रेस करने के बाद आप ड्रॉ कर लें इसे डिज़ाइन को, या आप है ना पहले ड्रॉ कर लें फिर प्रेस कर लें, जो आपको ईजी लगे। मैंने इसी तरह इजी मेथड से आपको बता दिया है। उसके बाद अब मैंने स्टिच करने के बाद अब मैं इसको कट कर लूँगी। कट के बाद आपको इजी मेथड बताती हूँ कि इसकी फिनिशिंग किस तरीके से लुक देगी। वेल व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अच्छा जी, अब हम इसे इस तरीके से कट देंगे, ये देखिए इस तरीके से। व्यूअर्स, मेरे चैनल को विद सब्सक्राइबिंग प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी करें। इस दामन के कटवर्क को हम फ्लिप कर लेंगे और किसी भी सीज़र या पेन के थ्रू आप इसको कॉर्नर जो है इसकी सेट कर लें। अच्छा व्यूवर्स, मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी आसानी कर दी है कि आपको दामन कटवर्क भी सिखा दिया इसी वीडियो में, कवर अप कर दिया है, चाइना कॉलर भी कवर अप कर दिया है और देन कुर्ती भी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगेन लाइक एंड शेयर करिएगा और इसको फोल्ड करेंगे 1/2 इंच का दामन को और इसको स्टिच कर देंगे। दामन की भी हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी साइड की स्टिच डन करेंगे। जैसे नॉर्मली स्टिचिंग होती है हमने पहले ही मार्किंग करी हुई थी और प्रेस करके आप स्टिच कर लें, फिर मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, इसका फाइनल लुक। ओके व्यूअर्स, इसका ये फाइनल लुक है दामन, और इसका ओवर लुक दिखा देती हूँ मैं। ओवर लुक के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि जो स्लीव्स की कटिंग और डिज़ाइनिंग है वो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। मेरी वीडियो वॉच करने के लिए जज़ाकअल्लाह, एंड इंशाल्लाह मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में यूनिक आइडियाज़ लाऊंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।